गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये अगस्त महीने का हमारा 7वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से संबंधित है। हमने पिछले डिस्कशन में इस बात को डिस्कशन कर चुके हैं कि RBI के द्वारा हाल फिलहाल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आयोजित की गई, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को आंका गया, देखा गया, उनकी समीक्षा की गई। उसके बाद इस बात को डिसाइड किया गया है कि भारत के स्टार्टअप को भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत लाया जाएगा। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, भारत सरकार और RBI के द्वारा इस बात को नोटिफाई किया गया है कि भारत के विकास को तेज करने के लिए और भारत के विकास को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाए और उन क्षेत्रों को सभी सही समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। यदि ऐसा होता है तो भारत का विकास निश्चित रूप से सही दिशा में बढ़ सकेगा। जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उसके अंतर्गत RBI इस बात की अपेक्षा करता है कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अपने कुल दिए गए ऋण में से 40% इन प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र को देंगे। ये कुल 8 होते हैं जिससे हम अभी एक एक करके देखेंगे। आपने समझ लिया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। अगर हम बात करें उन 8 क्षेत्रों को जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत 40% ऋण देने का प्रावधान किया गया है, सबसे पहले कृषि, दूसरे नंबर पर MSME, तीसरे नंबर पर निर्यात को बढ़ाने के लिए ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना को बनाने के लिए दिया जाने वाला ऋण, अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरे अन्य क्षेत्रों को मिसलिनियस के रूप में चुना गया है। अब 9वां जो क्षेत्र है वो स्टार्टअप होगा, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनको 40% ऋण देना आवश्यक है। इनमें से जो शुद्ध ऋण होते हैं उसमें से 10% कमजोर वर्ग को यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, यदि कोई व्यापार चलाना चाह रहे हैं या फिर कोई उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को अपने कुल ऋण का यानी कि ये जो 40% ऋण है उसमें से 10% कमजोर वर्ग को दिया जाना है। 18% कृषि क्षेत्र को दिए जाने की बात की गई है और उसमें भी जो लघु और सीमांत किसान होते हैं उन लोगों को ये 18% ऋण दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये कहा गया है कि लगभग 7.5% जो बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट के अलग रखते हुए ऋण का प्रावधान सूक्ष्म उद्यम को विकसित करने के लिए दिया जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक अन्य बात, मान लेते हैं कि दो बैंक हैं, उनको कहा गया है, दोनों बैंकों को कहा गया है कि अपने कुल ऋण का 40% आप प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। यानी कि कोई एक बैंक है जिसने 100 रुपया का ऋण दिया, उसमें से 40 रुपया ऋण इसको दिया जाना था किसके अंतर्गत, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत, लेकिन इसने 100 रुपये में से 50 रुपया जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत ऋण दे दिया। लेकिन कोई दूसरा बैंक है, उसने क्या किया कि 100 रुपया ऋण दे दिया लेकिन उसमें से केवल और केवल 30% ऋण ही वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत दे पाया। अब किया क्या जाएगा कि इसने तो 10% ज्यादा ऋण दे दी थी, तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा और उस 10% के सर्टिफिकेट को इसको बेच देगा ताकि इसका 40% पूरा हो जाए। तो इसने जो 10% अधिक दे दिया था उसको अब इस बैंक के द्वारा पैसा उपलब्ध करा दिया जाएगा और दोनों ही बैंक इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद RBI के द्वारा तय किए गए 40% के दायरे को पूरा करने में सफल हो गए। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इसका लेन देन RBI के द्वारा निर्मित किए गए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई कुबेर के अंतर्गत किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक अविंद्र नाथ टैगोर के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों था हम इसे एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे जिनका नाम अविंद्र नाथ टैगोर था, इनके द्वारा भारत में
बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित किया गया था। इनके द्वारा भारतीय कला को स्वदेशी मूल्य के रूप में स्थापित करने में मुख्य भूमिका इन्हीं के द्वारा निभाई गई थी। न्यूज में क्यों है? क्योंकि 7 अगस्त को इनकी 150वीं जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम द ग्रेट मेस्ट्रो अरविंद नाथ टैगोर था। तो यदि आपको यह पूछा जाए कि हाल फिलहाल में कार्यक्रम द ग्रेट मेस्ट्रो किसके याद में आयोजित की गई थी, तो आप याद रखेंगे अविंद्रनाथ टैगोर। इनकी कितनीवीं जन्म दिवस मनाई जा रही है? तो 150वीं जन्म दिवस मनाई जा रही है। इनके द्वारा क्या किया गया था? मुख्य रूप से भारतीय की जो कला है, जो अलग अलग चित्रों का निर्माण किया जाता है, उनको स्वदेशी रूप से स्थापित करने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। इनके द्वारा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत कौन से योगदान दिए गए? तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया गया था, और आगे चल के यही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में स्थापित हो जाता है। इनका मानना था कि जो पश्चिमवादी यानी कि ब्रिटेन का जो कला है वो भौतिकवादी है, और भारत का जो कला है वो आध्यात्मिक है। इनके द्वारा इस बात को डिफाइन किया गया था। मुख्य रूप से मुगल और राजपूत जो कला थे उनको आधुनिक कला के रूप में स्थापित करने का योगदान इन्हीं के द्वारा दिया गया था। मुख्य रूप से जो आधार होते थे वो हिंदू दार्शनिक आधार होते थे, यानी कि भगवान कृष्ण, भगवान राम या फिर दूसरे ऐसे देवी देवताओं के चित्रों को कला के रूप में चित्र बनाकर प्रदर्शित करने का जोर इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कुछ समय के अंतराल में इन्होंने चीनी और जापानी सुलेखनों को भी अपने चित्र के अंतर्गत शामिल किया, अपने चित्र परंपरा के अंतर्गत शामिल किया, और बहुत सारी चित्रकारी इनके द्वारा की गई थी। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक हिरोशिमा परमाणु बमबारी का 75वां वर्षगांठ से संबंधित है। आप इस 75वें वर्षगांठ से 75वें वर्षगांठ को याद रखेंगे, क्योंकि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था तो उसका तो हर साल वर्षगांठ मनाया जाता है, लेकिन इस बार 75वीं वर्षगांठ है। तो यदि कोई ऐसा अवसर आता है जो 50 या फिर 100 या फिर 150 या फिर 75, ये सब होते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसके आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि जापान में 2 बम गिराए गए थे, एक 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त को हाल फिलहाल में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जो पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त को, वो हिरोशिमा में था, और उस परमाणु बम का नाम जो था वो लिटिल बॉय था, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा जो 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था, उसका उस परमाणु बम का जो नाम था वो फैट मैन था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके कुछ इतिहासों की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बम इसलिए गिराया गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र थे वो एक तरह से अपने आप को पीछे पा रहे थे। उनके द्वारा इस बात को महसूस की गई कि जापान, भारत और जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, वहां पर जापान अपने आप को प्रभुत्व के साथ स्थापित कर रहा है। यदि किसी भी प्रकार से इनको नहीं रोका गया तो संभव है कि मित्र राष्ट्र युद्ध हार जाएंगे। तो इसी क्रम में इनको पीछे करने के लिए 1945 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन थे, उनके द्वारा आदेश दी जाती है और यहां पर परमाणु हमला कर दिया जाता है, और अंततः उसी दिन से जापान युद्ध से बाहर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और मित्र राष्ट्र युद्ध जीत जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, सन याद रखना है और अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे इसे आपको याद रखना है। 2-3 जानकारियां हमने पिछले भी डिस्कशन की है। अगर हम बात करें इससे जुड़ी हुई एक अन्य महत्वपूर्ण बात का, तो फ्रेंड्स, परमाणु बम जो निर्मित किया गया था वो कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत परमाणु बम का निर्माण किया गया था। 2 देशों के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा
टॉपिक जो है वो सीएजी से संबंधित है। आज हम अपने डिस्कशन में सीएजी को पूरी तरह से जितना भी इसका महत्वपूर्ण जानकारी है उसे डिस्कशन करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसको करने में सक्षम हो पाएंगे हमारे इस डिस्कशन के बाद। आप जानते हैं न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल फिलहाल में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उनको सीएजी नियुक्त किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है, इसलिए यह न्यूज में है। चलिए हम इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 5 में सीएजी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच इनके बारे में प्रावधान किया गया है। ये एक संवैधानिक पद है क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है। आपको यदि ये पूछा जाएगा सांविधिक है या फिर गैर संवैधानिक है तो आप कहेंगे जी नहीं, ये एक संवैधानिक पद है क्योंकि ये संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इनका कार्य जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसका लेखा परीक्षण करने की जिम्मेदारी सीएजी को दी गई है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि इनका कर्तव्य है कि भारत के संविधान के अंतर्गत या फिर संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के तहत किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन से संबंधित, वित्तीय प्रावधान से संबंधित कुछ भी कार्य किया जाए उसकी देखरेख सीएजी के अंतर्गत ही की जाती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और गैर संवैधानिक पद हैं जैसे कि नीति आयोग, वे संवैधानिक पद नहीं है, केवल एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नीति आयोग को निर्मित किया गया था, तो उसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उसके जो उपाध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, क्या उसको उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जी नहीं, वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। सीएजी का कार्यकाल आप याद रखेंगे 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है, मतलब जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है यदि उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है, भले 6 वर्ष ना हुआ हो, तो उसको उसके पद से त्यागपत्र देना होगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इनका मुख्य दायित्व जो है वो भारत सरकार की संचित निधि, प्रत्येक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि, इनके इनसे होने वाले खर्चों को देखना है कि सही ढंग से जिस इच्छा के साथ पैसे निकाले गए हैं संचित निधि से, चाहे वो केंद्र सरकार का हो राज्य सरकार का हो, उनका सही ढंग से खर्च किया जा रहा हो या फिर नहीं किया जा रहा हो, इस बात का लेखा जोखा करता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। साथ ही जो आकस्मिक निधि है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का या फिर दूसरे अन्य प्रकार के व्यय हैं उनको भी इन्हीं के माध्यम से देखा जाता है, इन्हीं के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग हो, विनिर्माण से संबंधित खर्च हो, लाभ या हानि से संबंधित खाते हो, बैलेंस शीट का मामला हो, इन सभी मामलों पर सीएजी के अंतर्गत ही देखरेख की जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला, किसी भी प्रकार का अनुदान किसी को प्राप्त हो रहा हो, यानी कि केंद्र सरकार बहुत सारे राज्यों को अनुदान देती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के अंतर्गत, नीति आयोग सलाह देता है उसके बाद में फिर अनुदान दिया जाता है राज्यों का, तो उन अनुदानों पर प्राप्ति और व्यय से संबंधित जानकारियों पर भी लेखा जोखा किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला, किसी भी प्रकार का जो अलग अलग निकाय होती है जैसे कि ग्राम पंचायत होती है या फिर दूसरी सरकारी एजेंसियां होती हैं, नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है, इन पर भी यदि राष्ट्रपति के द्वारा कहा जाए कि आप इनके खर्चों का भी ऑडिट करें तो सीएजी उनका भी ऑडिट करेगा। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो केंद्र स्तर के जितने भी लेन देन होते हैं उनको तैयार करने के बाद सीएजी अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देती है और राज्य सरकार के अंतर्गत किए गए ऑडिट को के रिपोर्ट को राज्यपाल को देती है। राष्ट्रपति उसे उसके बाद में संसद में रखवाएंगे, उसके बाद राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखवाएंगे। अगला, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो 3 तरह का रिपोर्ट होता है।
एक जो रिपोर्ट होता है वो विनियोग लेखा से संबंधित होता है, दूसरा वित्त लेखा से संबंधित होता है, और तीसरा जो होता है वो सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित होता है। जो सार्वजनिक लोक लेखा रिपोर्ट होती है उनका इस बात का आकलन किया जाता है राष्ट्रपति के संसद में रखवाने के बाद कि यह कितना सही है, और यही बहुत बार मुद्दा बनता है सरकार को गिराने या फिर सरकार को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए। जब इसका जांच किया जाता है सीएजी पी मतलब पब्लिक अकाउंट काउंसिल के द्वारा लोकसभा में, यानी कि लोक लेखा समिति के द्वारा इस बात की जब जांच की जाती है, उस समय सीएजी को कहा जा सकता है कि आप हमें इसमें मदद करें। सीएजी पब्लिक अकाउंट काउंसिल के मदद करने के लिए लोकसभा में भी जा सकता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया, आप इन सारी बातों को ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है। हमारे डिस्कशन का अगला और पांचवा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अभी लॉन्च किया गया है ऐसा नहीं है, साल 2007 में इस योजना को शुरू किया गया था। क्यों किया गया था, क्या किया गया था, हम सारी बातों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल में ये क्यों है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कृषि मंत्रालय के द्वारा 2020-21 में इस कार्यक्रम को 2021 का जो बजट था उसमें इस कार्यक्रम को घोषणा शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम में किया क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स भारत में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं या फिर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं जिनके रिसर्च के बाद भारत के कृषि को इतना सुदृढ़ बनाया जाए ताकि भारत में प्रसंस्करण उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कृषि, कृषि यांत्रिकी, डेयरी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा जा सके, ऐसे ऐसे तकनीकों का निर्माण किया जा सके ताकि इससे न सिर्फ किसानों का आय बढ़े बल्कि भारत में जो कृषि है वो मात्र उपभोग और कुछ बहुत उद्योग आधारित हैं, उनको हम लोग निर्यात आधारित बना सके, उनको भारत में उद्योग आधारित कृषि बनाया जा सके, इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, लक्ष्य क्या है, भारत की कृषि को उद्योग आधारित कृषि बनाने के लिए, चाहे वो प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित तकनीकों को निर्माण करने से संबंधित हो, डिजिटल माध्यम से कृषि को कैसे उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है इसके माध्यम से हो, या फिर बहुत सारे ऐसे तकनीकों का विकास किया जाना हो जैसे हल बनाया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे दवाओं का निर्माण किया जा सकता है, या फिर दूसरे कोई भी ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिसकी वजह से भारत में कृषि को उद्योग आधारित कृषि बनाया जा सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई थी उसके अंतर्गत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जो घोषणा की गई थी वो 2020-21 के बजट में की गई थी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें इस कार्यक्रम का, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इसे 2007 में शुरू किया गया था एक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत। मुख्य रूप से यही लक्ष्य रखा गया था कि भारत में जो कृषि के उत्पाद हैं उनको किस प्रकार से ज्यादा समय तक संरक्षित रखा जा सके, कौन से ऐसे उपाय किए जाए ताकि उत्पादकता बढ़ सके, यदि उत्पादन हो गया है तो उसे कौन से ऐसे उपाय किए जाए जिसके द्वारा मंडी तक आसानी से पहुंचाया जा सके, कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से किसानों को ज्यादा आय हो सके, इन सभी लक्ष्यों के साथ 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा किया गया था, शुरू किया गया था, उसे राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना रफ्तार भी कहा गया था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि रफ्तार कार्यक्रम जो था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, वहां पर पैसे कहां से आते हैं, तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों ही के द्वारा इसमें पैसा निवेश किए जाते हैं, क्योंकि ये एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम कहने का मतलब है कार्यक्रम को शुरू किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उस योजना को लागू किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और जो पैसे होते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर खर्च करती है। इसमें 60% और 40% खर्च किया जाएगा, यानी कि 60% जो पैसे होंगे वो केंद्र सरकार, 40% जो खर्च होंगे वो राज्य सरकार खर्च करेगी। ये सामान्य स्थिति वाले राज्यों के लिए है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर और जो पहाड़ी क्षेत्र के राज्य हैं वहां पर जो पैसे खर्च किए जाएंगे 90% केंद्र सरकार और 10% पैसे राज्य सरकार के द्वारा। उसके अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर यदि इस योजना के अंतर्गत पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो 100% पैसा केंद्र सरकार देगी, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके उद्देश्यों को हमने देख लिया है एक एक करके, हम इसे एक बार फिर से देखते हैं। अवसंरचना का विकास किया जाएगा, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजना को अपने हिसाब से राज्यों को डिफाइन करना, अपने हिसाब से लागू करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए इस बात पर किसानों को मदद की जाएगी। कुछ ऐसे अलग तरह के खेती होते हैं जैसे मशरूम की खेती, या फिर बहुत सारे किसानों को एक जगह मिलाकर किया जाने वाला खेती, फूलों की खेती, इन सब चीजों पर जोर दिया जाएगा ताकि जो परंपरागत खेती है उनसे बाहर निकले और किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने में मदद हो सके। किसानों के कौशल विकास को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसे नवाचार के कदम उठाए जा सकते हैं, कृषि को व्यावसायिक मॉडल के रूप में लागू करने की भी कोशिश की जाएगी। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का जो छठा टॉपिक है वो किसान रेल से संबंधित है। अभी हाल फिलहाल में मतलब 7 अगस्त को इस योजना को लागू कर दी गई, इस रेल को अब चलाना शुरू कर दिया गया है। इस रेल को चलाने की घोषणा जो 2020-21 का केंद्रीय बजट था उसमें की गई थी। क्या है मतलब ये क्या है किसान रेल जो है फ्रेंड्स, उसमें क्या किया जाएगा कि कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई इलाका है, वहां पर बहुत सारे ऐसे खेती किए जाते हैं जिनका वेट लॉस हो सकता है, जैसे कि सब्जियों की खेती की जा रही है, फलों की खेती की जा रही है, उनकी एक निश्चित समय तक उनकी अवधि होगी, उसके बाद यदि उनको उपयोग नहीं किया जाता है तो वो फिर सड़ने लगेगा। तो इस योजना के अंतर्गत यानी कि किसान रेल के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि देखा जाएगा कि कौन से क्षेत्र में सब्जियों की अभी मांग है। तो क्या करेंगे कि रेल, किसान रेल के अंतर्गत जो किसान है वो लेके आएंगे, उसको पूरे के पूरे ट्रेन में भर दिया जाएगा, और मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में खेती की जाती है, उनको उस रेल में डाल दिया गया और इसे पहुंचा दिया गया तमिलनाडु, सही समय पर पहुंच गया। यदि ऐसा हो जाता है तो उपभोग कर लिया जाएगा, वो सड़ेंगे नहीं, और इससे सब लोगों को फायदा होगा। सही समय पर उपलब्ध हो पा रहा है तो मौसमी सब्जी जो है वो उपभोक्ताओं को मिल पाएंगे। किसानों को फायदा इसलिए होगा क्योंकि उन लोगों को अपनी जो उपज थी उनका सही कीमत मिल पाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे ये क्या है। अभी जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो भी पूछा जा सकता है कहां से कहां के बीच, तो ये देवाली महाराष्ट्र से, देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार के बीच चलाया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का 7वां टॉपिक पेंगोलिन के बारे में। पेंगोलिन क्या है, ये एक ऐसा जीव है जो स्तनपाई है और इसके शरीर के ऊपरी हिस्से में एक अलग प्रकार का स्कल पाया जाता है, और दूसरा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके शरीर के ऊपर में स्कल पाई जाता हो और वो स्तनपाई हो। पहली जानकारी आप इसे याद रखेंगे। दुनिया में इसके कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से 2 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 2 प्रजातियों में एक प्रजाति को हम चीनी पेंगोलिन कहते हैं, दूसरे को हम इंडियन पेंगोलिन कहते हैं। इसका ये एक ऐसा जीव है जिसका सबसे ज्यादा तस्करी किया जाता है, बहुत सारे ऐसे किए हैं जैसे कि जो कामुक दवाइयां बनाई जाती हैं उन दवाइयों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सब सिर्फ भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मान्यता है परंपरागत रूप से उनके हिसाब से इनके मांस को, इनके तेल को उपयोग करने से कामुक जो प्रवृत्ति होती है पुरुष में, महिला में, वो बढ़ती है ऐसा माना जाता है, और उसके लिए इस जीव का सबसे ज्यादा शिकार किया जाता है, सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। इसी वजह से इनको संकटग्रस्त
स्थिति के रूप में भी नोटिफाई किया गया है, संकटग्रस्त जीव के रूप में भी किया गया है। IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत जो चीनी पेंगोलिन है उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव के रूप में किया गया है, और जो भारतीय पेंगोलिन है उनको इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। भारत में भी जीवों को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया है, उसकी परिशिष्ट एक में इनको संरक्षित किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, चीन वाले को याद रखेंगे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कुछ भी मार के खा लेते हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम झेल रहे हैं कोरोना वायरस। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। अब हम कुछ MCQ देखते हैं, कुछ ऐसे MCQ हैं जिनको हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में किया है और उसका MCQ हमारे पास है, और ऐसे एक डिस्कशन है जिसको हम लोगों ने 5 प्रश्न बनाने के लिए उसको लेकर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ढोले के संबंध में सही है। पिछला डिस्कशन में हमने ढोले के संबंध में जानकारियों को देखा था। ढोले एक प्रकार का कुत्ता होता है जो जंगल में रहता है, गांव में नहीं रहता है, और ये एक मांसाहारी जीव है। पहला क्या कहता है, ये भारत में स्थानिक है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्थानिक कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र से लेकर जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जो शुष्क वन है, पर्णपाती वन है, उन सारे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा कहता है, बाघ के अलावा ये भारत का एकमात्र सबसे बड़ा मांसाहारी है जो IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जानकारी है, याद कर लीजिए। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भारत के लुप्तप्राय ढोले के संरक्षण में उच्च स्थान पर हैं। यह बिल्कुल सही है। मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पर इस जानवर को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। बाकी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनकी संख्या घट रही है। क्योंकि आपको सही पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर यदि हम ध्यान दें फ्रेंड्स, तो इस जानकारी को हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो दूसरा क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और गोवा। पूरे भारत में तो पाए जाते हैं लेकिन इन क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में इस जानवर की संख्या घट रही है और बाकी क्षेत्रों में बढ़ रही है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हमने इस प्रश्न को, इस टॉपिक को भी डिस्कशन किया है। प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अरब देश ने अपने पहले परमाणु संयंत्र के शुभारंभ की घोषणा की, जिससे बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। तो हमने इसे डिस्कशन किया था, UAE में इसे स्थापित किया गया है। UAE का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसे दक्षिण कोरिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। हमने डिस्कशन पिछले डिस्कशन में भी किया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। क्या कहता है, खुरजा मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। खुरजा मिट्टी के बर्तन के बारे में पहला क्या कहता है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित पारंपरिक भारतीय मिट्टी के बर्तन है। याद कर लीजिए, खुरजा है ही कहां, उत्तर प्रदेश में, और मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहा है, तो यह पारंपरिक मिट्टी के बर्तन है जिनको जो लोग हैं खुरजा के आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, मैं इनका चित्र आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बारे में दूसरा कथन क्या कहता है, यह बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि ट्रिप्स समझौते के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के भौगोलिक संकेत यानी कि GI के तहत संरक्षित है। यह बिल्कुल सही है, इसीलिए न्यूज में भी था क्योंकि इसको GI टैग का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुछ बहुत चीनी मिट्टी के का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। खुरजा जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक शहर है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न, हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में मेंस डिस्कशन में भी किया था और प्रीलिम्स में भी किया था। प्रश्न क्या कहता है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन की भी आपको पहचान करनी है। पहला क्या कहता है, वह नहीं होगा, सम्मानीय व्यक्ति हैं, वे होंगे, वे हिंदू महासभा से जुड़े थे। ये गलत है, हिंदू महासभा से ये नहीं जुड़े थे, लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय जुड़े हुए तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन लाला लाजपत राय हम क्यों याद रखेंगे, क्योंकि हिंदू महासभा जो था वो कांग्रेस से एक अलग संस्थान था, और जो कांग्रेस के लोग थे उनमें से बाल गंगाधर, उनमें से जो लाला लाजपत राय थे वो हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे। सुप्रू ये भी उनके साथ जुड़े हुए थे, मदन मोहन मालविया ये भी जुड़े हुए थे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, पहला गलत हो जाता है। दूसरा कहता है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी गुट का हिस्सा थे। जब ये शामिल होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उसके बाद में कांग्रेस की रणनीति ही बदल जाती है। पहले कांग्रेस की रणनीति हुआ करती थी कि हम संवैधानिक तरीके से भारत को आजाद कराएंगे, जब ये शामिल होते हैं तो कहते हैं नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए यही कारण था, इनको अशांति का दूत भी कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे कारण हुए, 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है दो गुटों में। तो ये पहला, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है, उन्हें पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, जहां पर वो गणित पढ़ाया करते थे, सही पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां फटाफट हम देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक लोकमान्य कहा जाता है। अगला, लाल बाल पाल आप जान रहे हैं, इनको कहा जाता है अशांति का दूत कहा जाता था। क्यों महत्वपूर्ण है, 100 साल हुआ है इनकी पुण्यतिथि का, याद रखेंगे 100 साल हुआ है 1 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि का, तो ये ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात, जिस दिन ये शुरू हुई थी असहयोग आंदोलन, उसी दिन इनका डेथ हो गया था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। हमारी डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कहता है, यह केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई को ऋण प्रदान करता है, गलत है। कल तक यानी कि जिस दिन तक प्रधानमंत्री ने नई घोषणा नहीं की है, तब तक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में पहला कथन सही था, लेकिन शुक्रवार को जब घोषणा की गई है उसके बाद से पहला कथन गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात की घोषणा की गई, क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया जाता है, और इस योजना के अंतर्गत दूसरे सेक्टर को भी लोन उपलब्ध कराए जाएंगे, तो इसलिए पहला ही गलत है, बाकी दोनों कथन बिल्कुल सही है। इस योजना के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो यह हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स, हम आज के अपने डिस्कशन को यही रोकते हैं। आप डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लें, इसका लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।